डियर एस एल एस स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर सिक्स लेक्चर ऑफ इंग्लिश। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, प्लीज़ ओपन योर ग्रामर ट्री बुक ऑफ ग्रेड 3। एंड नाउ ओपन द पेज नंबर 4। आपको याद होगा बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो पढ़ा था नाउन्स के बारे में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स। ओके बच्चों, प्रॉपर नाउन्स जो होता है वो किसी भी थिंग, पर्सन या एनिमल्स को हम जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर नाम देते हैं, नाम से हम बुलाते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन होता है। और जो कॉमन नाउन्स होता है वो ऑल पर्संस के लिए होता है, ऑल थिंग्स के लिए, ठीक है, और जनरल टू ऑल पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, ओके। और जो कलेक्टिव नाउन्स होता है वो होता है ग्रुप ऑफ कलेक्शन जो है एनी पर्सन, एनी थिंग्स, एनी एनिमल्स, ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी, जो हम आज करेंगे, देखें वो है पिक आउट द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। ओके बच्चों, यानी हमारे पास आज सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से हमने जो है कॉमन को अंडरलाइन करके कॉमन का ऊपर लिखना है, कलेक्टिव को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है, और इसी तरह से कलेक्टिव, कॉमन और प्रॉपर तीनों को, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम प्रॉपर के लिए क्या लिखेंगे, कॉमन के लिए क्या और कलेक्टिव के लिए। यहाँ पर हम पी जो है वो किसको प्रेफर कर रहा होगा, प्रॉपर, पी फॉर प्रॉपर एंड सी फॉर कॉमन एंड सी ओ डबल एल फॉर कलेक्टिव, ओके। फर्स्ट सेंटेंस देखें आपको, तो यहाँ आपको मदर लिखा नज़र आएगा। मदर जो है, अब हमारे पास प्रॉपर नेम नहीं है, वो किसी की भी मदर होंगी तो क्या होगा, कॉमन। बंच देखें, बंच से ही आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा वर्ड होगा, अंडरलाइन करें, कलेक्टिव। बनानास, कॉमन। मार्केट, कॉमन, ठीक है बच्चों। इस तरह से अंडरलाइन करके आपने सी फॉर कलेक्टिव, सी फॉर कॉमन एंड सी ओ डबल एल फॉर कलेक्टिव, ओके। अब नेक्स्ट पेज पे सेकंड सेंटेंस देखें, उसमें तो गैंग देखें, गैंग फिर आपको नाम से ही बच्चों पता चल रहा है कि ये कौन सा वर्ड है, कलेक्टिव है, ठीक है। थीव्स जो हैं क्या है, कॉमन है। और बैंक देखें, कोई बैंक के नेम नहीं है आपको ना बच्चों, यहाँ देखिए कोई HBL नहीं है, कि कोई POB नहीं है, ठीक है, जस्ट बैंक है तो क्या होगा, कॉमन। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें आपको लिखा नज़र आ रहा होगा जेसी ओवेंस, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर एक नाम है, ठीक है, तो क्या आएगा, पी किसको प्रेफर कर रहा है, प्रॉपर को। और देखिए रनर, रनर जो है वो कॉमन में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तो उसमें आपको एल्बम, एल्बम क्या है, कॉमन। और फोटोग्राफ्स क्या हैं, कॉमन। देखिए कौन सी एल्बम्स हैं, कौन से फोटोग्राफ्स हैं, कोई पता नहीं है तो क्या होगा, कॉमन। नेक्स्ट सेंटेंसेस में देखिए टीम, फिर नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्या होगा, कलेक्टिव, ठीक है। मैच, अब यहाँ पे हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कौन सा मैच है, हॉकी मैच है, वॉलीबॉल है, कौन सा मैच है, तो क्या होगा, कॉमन। नेक्स्ट सेंटेंसेस में देखें, लेडी जो है वो कॉमन होगी, बंच जो है वो कलेक्टिव होगा, कीज़ जो है वो कॉमन और पॉकेट जो है वो कलेक्टिव, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस है जो आपका, उसमें देखें बैंड, देखिए अब बैंड फिर नाम से क्लियर हो रहा है क्या होगा, कलेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखें म्यूजिशियंस, देखें क्या होगा, अब इसमें किसी का नाम नहीं है, कौन से वो हैं तो क्या आएगा, कॉमन। और स्टेज देखें फिर से कॉमन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें देखें ग्रुप, देखिए ग्रुप जो है ऑलरेडी अपने नेम से ही जो है वो जाहिर हो रहा है कि ये क्या है, कलेक्टिव, पीपल, कॉमन, स्पीकर, कॉमन, ओके। आगे नेक्स्ट सेंटेंस में देखें हमारे पास है जूलियस केसर, देखिए प्रॉपर एक नाम आ रहा है हमारे पास, तो क्या होगा, पी, यानी प्रॉपर। देखिए जनरल, जनरल अब हमारे पास क्या आ गया, कॉमन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में गेस्ट, गेस्ट कोई से भी हो सकते हैं, तो क्या होगा, कॉमन। बकेट देखें, बकेट क्या आएगा, नाम से जाहिर हो रहा है, कलेक्टिव। और फ्लावर्स देखें, कॉमन आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया कि रोज़ फ्लावर्स हैं, लिली फ्लावर्स हैं, या कौन से फ्लावर्स हैं। यहाँ पे ये जो है, ये सब फ्लावर्स को जो है ये वर्ड जो है वो प्रेफर कर रहा है, तो क्या होगा, कॉमन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सेंटेंस में फार्मर, देखिए फार्मर क्या आएगा, कॉमन। और शीव्स, कलेक्टिव, ओके।
नेक्स्ट सेंटेंस देखे हमारे पास है, तो उसमें देखे जो फ्लीट वर्ड देखे कलेक्टिव में आएगा, वर्शिप्स कॉमन और हार्बर कॉमन्स। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन्स, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स। नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज एंड लुक हियर यूनिट टू कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जी बच्चों, हमारे पास यहाँ है कंक्रीट यानी के नज़र आना और एब्स्ट्रैक्ट यानी के गायब होना, दो नाउन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, कॉमन नाउन विच इज़ द नेम ऑफ अ थिंग डैट वी कैन बोथ सी एंड टच इज नाउन एज अ कंक्रीट नाउन, यानी कि ऐसा नाम, ऐसी चीज़ का नाम जिसे हम एट अ टाइम देख भी सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं, वो क्या होगा, कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट देखिए, अ कॉमन नाउन विच इज़ द नेम ऑफ अ थिंग डैट वी कैन नॉट सी एंड टच बट वी ओनली थिंक ऑफ हेयर और फील इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसी नाम जो हम देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उसे सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब जो है पेज नंबर 7 देखें, यहाँ पर आपके पास जो है वो है, देखिए एक्टिविटी आ गई है, स्टेट वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर प्रॉपर और कॉमन। देखें यहाँ पे हमारे पास अंडरलाइन ऑलरेडी दिए गए हैं नाउन्स, वो प्रॉपर भी हैं और कॉमन भी हैं। इन द केस ऑफ कॉमन नाउन्स पॉइंट आउट वेदर दे आर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। हमने अब कॉन्क्रीट कौन से हैं और एब्स्ट्रैक्ट कौन से हैं उनको हमने जो है पॉइंट आउट करना है। यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि हम कॉन्क्रीट के लिए सी एन यूज़ करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट के लिए ए बी जो है वो किसको प्रेफर करेगा, एब्स्ट्रैक्ट को, और कॉन्क्रीट के कौन कौन करेगा, सी एन। फर्स्ट सेंटेंस देखे, उसमें सन हमारे पास अंडरलाइन है, सन को बच्चों हम जो है वो देख सकते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, कॉन्क्रीट। ओके, आप देखिए लाइट, लाइट को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हीट को भी, तो क्या ये दोनों क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखे बुक्स, बुक्स को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, कंक्रीट नॉलेज यानी इल्म। इल्म को हम बच्चों सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट। अब देखे वर्ल्ड, दुनिया, तो देखे बच्चों हम सब ये देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, कंक्रीट। नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट सेंटेंस पे साइलेंस यानी कि खामोशी, खामोशी को भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखे बिल्डिंग, बिल्डिंग को बच्चों हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो क्या होगा, कॉन्क्रीट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखे रिलीजियंस, देखे अब हम मज़हब को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट। लव, लव हम जस्ट फील कर सकते हैं, तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट। आगे है हेटर, नफरत यानी इसको भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखे मार्स इज़ अ लार्ज प्लेनेट, अब इस प्लेनेट को जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है, तो क्या है, कंक्रीट। प्लेनेट को हम सियारा जो होता है, ठीक है, उसे हम फील कर पाते हैं जस्ट, तो वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट। आगे देखे मिस्टर जॉम्स देखें क्या है हमारे पास, एक शख्स है, देखिए कोई शख्स हो तो हम उसे देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो क्या होगा, कॉमन, जो ये कौन से में आएगा, कंक्रीट में, ठीक है। अब देखिए म्यूज़िक, म्यूज़िक हम सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं, तो क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए हमारे पास है जॉन, जॉन शख्स का नाम यहाँ पर दिया गया है, तो क्या आएगा, कंक्रीट, ठीक है। आगे देखिए प्लेसेस, जगहों को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, कंक्रीट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें ब्यूटी, ब्यूटी को हम जस्ट फील कर सकते हैं, तो क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखें कश्मीर, अब देखें कश्मीर हमारे पास एक नाम आ गया है, ठीक है, प्रॉपर, तो कश्मीर को हम क्या करेंगे, प्रॉपर, पी प्रेफर करेगा प्रॉपर को, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें अब, क्योंकि कश्मीर देखें यहाँ पर बच्चों स्टेट है, ठीक है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट में नहीं आएगा, ये प्रॉपर में आएगा। नेक्स्ट देखिए आप विथ, देखिए चौड़ाई जिसे कहा जाता है, ठीक है, इसे हम ये इसकी मैयर की जाती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। रूम देखिए, रूम जो है वो कॉन्क्रीट में आएगा। आगे देखें हाइट, हाइट की भी मेजरमेंट होती है, तो ये क्या आएगा, एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, क्योंकि
हम इसे वैसे देख नहीं पा सकते, ठीक है। नेक्स्ट में देखें हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को जो है हम फील कर सकते हैं, तो क्या आएगा एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखें सोरो, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो क्या आएगा एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स नाम है ठीक है, तो अब शख्स का, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो कॉन्क्रीट आएगा। नेक्स्ट देखें इसी सेंटेंस में विलेजर्स, विलेजर्स भी जो है वो क्या आएगा कॉन्क्रीट। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें डार्कनेस, डार्कनेस को हम फील कर सकते हैं, तो क्या आएगा एब्स्ट्रैक्ट। पीस यानी अमन, इसको भी हम फील कर सकते हैं, तो क्या आएगा एब्स्ट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें काइंडनेस यानी मेहरबान, मेहरबानी ठीक है, तो इसे भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो क्या आएगा एब्स्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट देखें मर्की, मर्की यानी इसे भी हम जस्ट फील कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें हीरोइज्म यानी कोई हीरो होना किसी, ठीक है, जैसे देखें कायदे आज़म, वो हमारे हीरो हैं कौमी, ठीक है। अब देखें लेकिन यहाँ पे हीरोइज्म का लिखा हुआ है, तो उसे हम जस्ट फील कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट आएगा। आगे देखें कंट्री, कंट्री हमारे पास जो है वो स्टेट में आता है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कॉमन, ठीक है, सी ओ एम कॉमन, क्योंकि यहाँ स्टेट में आ गया, जिस तरह यहाँ पर हमने कश्मीर को प्रॉपर में किया था क्योंकि स्टेट में था, इसी तरह कंट्री स्टेट में आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखें तो हमारे पास जो अंडरलाइन है वो देखें स्लेवरी यानी के गुलामी। अब देखिए इसे भी हम जस्ट फील कर सकते हैं, ठीक है, तो स्लेवरी भी क्या आएगा एब्स्ट्रैक्ट। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट भी जो है वो समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।